फाइनली शिवघाट से नीचे टेंट्स के पास पहुंचे हैं। दंचो की तरफ हमारी यात्रा जा रही है। ये देख सकते हैं पैकअप हो रहा है अभी। तो अब हम धनचो के बिल्कुल ही करीब हैं। शुरू में भी आपको ये वाटरफॉल दिखाया था, ये देखिए ऐसे लगता है जन्नत है जन्नत। तो बने रहो हमारे साथ, अभी हम धनचो पहुंच गए हैं और बहुत जल्द हम हट कर पहुंच जाएंगे। ले चलेंगे 84 मंदिर। ये खड़े नीचे सामान लेके कितना हार्ड वर्क है, दिन के कितने चक्कर लगाते हैं। कुछ घोड़े सामान लेके जा रहे हैं और कुछ लोग श्रद्धालुओं को। बड़ा रिस्की है। जय भोले, जय भोले। कहाँ पहुँच गए अभी? अभी हम पहुँच गए धनचो। धनचो जब धनचो धनचो और जब हम ऊपर गए थे तो यहाँ टेंट्स वगैरह थे और अब देखो अब सब डिसमेंटल हो रहे हैं, पैकअप हो रहा है। जय भोले। अभी हम उस पुल के पास पहुंच गए हैं। इसको भरमौर की पौड़ी भी बोला जाता है। माना जाता है कि जो लोग अपना स्वर्ग सदार जाते हैं उनको इस पुल पर खड़ा होके इस पुल को पार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ के व्यूज। जब हम दिन में चढ़े थे तो यहाँ तक पहुँचते अंधेरा हो गया था, यहाँ पहुँच नहीं पाए थे। इसको पहुँच तो पाए थे पर इसको शूट नहीं कर पाए थे अपने कैमरा में। तो देखिए यात्रा करके कितने लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने आज बड़े अच्छे दर्शन दिए। अभी आप लोगों को हम ले चलेंगे 84 मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए भरमौर की पौड़ी पहला पड़ाव, ये जो पुल पार करते हैं इसके ऊपर धनचो आता है। तो कैसा लगा आपको यात्रा करके? बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये लोकेशन हम अभी इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि जिस समय हम आ रहे थे शिवकुंड जा रहे थे तो उस टाइम बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया था, तो हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों के लिए अभी वापसी में जाते वक्त इस भरमौर की पौड़ी का दृश्य लिया जाए। जय भोले, जय भोले।
जय भोले। जय भोले। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं भरमौर की पौड़ी का पुल। जय भोले। जय भोले। तो अभी हम लोगों की यात्रा संपूर्ण होती हुई नीचे द्वारा हम पहुंच गए एंट्रेंस गेट पे हटसर में। यहाँ से जाएंगे 84 मंदिर, वहाँ जाके कंप्लीट हो गया। 84 मंदिर में जाके तो बने रहिए हमारे साथ मणिमहेश यात्रा 2022। जय भोले।